दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2022 से एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दी थी। तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच में अपना पैन कार्ड लिंक करते हैं अपने आधार से तो आपको 500 फीस चार्ज की जाएगी। बट अगर आप 30 जून के बाद अपना पैन कार्ड लिंक करते हैं आधार से तो ये फीस डबल होके 1000 हो जाएगी एंड आपको अपना पैन आधार से लिंक करने पर 1000 रुपीज पे करने होंगे। सो दोस्तों जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक कर लें क्योंकि अगर डेडलाइन तक भी आपने अपना पैन अपने आधार से लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी यू वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और ओपन एनी बैंक अकाउंट और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेट्रा। सो मेक श्योर करें कि 31 मार्च 2023 से पहले आप अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक करें। Now, how to link your PAN card with your Aadhaar card? पहला, या तो आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाकर अपना पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं अपने आधार से, या फिर आप SMS के थ्रू भी अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक करा सकते हैं।